आज हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कैसे हम नेक्स्ट पार्ट हमारा बनाते हैं। जैसे लॉगिन है हमारा, नेक्स्ट पार्ट होगा लॉगिन। तो पिछली वीडियोस में हमने कवर कर लिया था कैसे हम हमारी चॉइस बना सकते हैं, लाइक लॉगिन साइन अप एंड एग्जिट आएगा। सो इस वीडियो में हम देखेंगे लॉगिन को कैसे एक्टिवेट करेंगे। सो यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आईडी एंड पासवर्ड ये हम यूज़र से मांगेगा। सो सिंपल हम यहाँ रहे लॉगिन फेस पर चलते हैं। तो जैसे केस वन हमारा था लॉगिन, सो अब इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन एक फंक्शन बना लेंगे सिंपल। जब भी वो केस वन सेलेक्ट होगा लॉगिन का, सो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। सो इसका हम जो रिटर्न टाइप है हम रखेंगे बुलियन, एंड लॉगिन हमने ये फंक्शन क्रिएट कर लिया है। नाउ अब यहाँ पर ये एरर दे रहा है कि कैन नॉट, ये बोल रहा है कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक। यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि जो हमारा मेन फंक्शन है ये स्टैटिक फंक्शन है। सो हमने इसे हम चेंज नहीं कर सकते। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो फंक्शन है लॉगिन, तो इसे भी हम स्टैटिक बनाएंगे। नाउ ये यहाँ पे एरर रिजोल्व हो गया क्योंकि एक स्टैटिक फंक्शन जो है एक स्टैटिक फंक्शन को ही एक्सेस कर सकता है। तो बेसिकली हमने कर लिया। अब यहाँ पर एरर है क्योंकि हम ये बुलियन बोल रहा है रिटर्न टाइप चाहिए। तो हमें, जैसे मैंने बोल दिया इसे, सो मैंने कहाँ टाइप हो गए, यहाँ पर एक बुलियन वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट, एंड उसको देते हैं अभी फॉल्स, कि जो भी हमारा रिजल्ट था वो फॉल्स है। और या फिर इसको नाम रख देते हैं जैसे लॉगिन सक्सेस, इसका नाम रख दिया। अभी जो भी लॉगिन था हमने बोला इसे फॉल्स है, एंड हम रिटर्न कर देते हैं लॉगिन सक्सेस को। सो हमने एरर को हमारे रिजोल्व कर लिया। अब सिंपल हमें क्या करना था कि जैसे कि ये था कि ईमेल आईडी और पासवर्ड के लिए हम मांगेगा। सो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेंगे आईडी, एंड उसको अभी खाली रखेंगे। सेम हम एक स्ट्रिंग ले लेंगे पासवर्ड, एंड उसे भी हम खाली रख देंगे। सो हम चाह रहे हैं यूजर से इनपुट कराना, तो सिंपल हम स्कैनर क्लास को यूज कर लेंगे, न्यू स्कैनर क्लास बना लेंगे। तो सबसे पहले मांगेगा हमारी आईडी, तो यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट कर देंगे कंसोल में हमारे एंटर आईडी। तो ये है हमारे यहाँ पे सिस्टम, एंड यहाँ पे प्रिंट, हम यहाँ पे एलएन नहीं सिंपल प्रिंट रखेंगे, जो भी डालेंगे इसके सामने डालेंगे। सो यहाँ पे मांगेगा, अब आईडी में हम इसको इनपुट करा लेंगे नेक्स्ट लाइन। सेम करेंगे हम पासवर्ड के लिए, एंटर पासवर्ड, एंड यहां पर भी पासवर्ड को हम इनपुट करा लेंगे। पासवर्ड एंड आईडी, लेकिन अब हमने लॉगिन करना था तो हमें क्या चाहिए, ये तो हमने इनपुट कर दिया। हम चाहते हैं कि जो हमारा सेव किया हुआ पासवर्ड हो वो मैच करेगा, तभी लॉगिन सक्सेसफुल होगा। सो हमारा जो सेव किया पासवर्ड है, हम यहाँ पर माई एस क्यू एल डेटाबेस को यूज़ करने वाले हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में कैसे हम इसके लाइब्रेरी को, कनेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं वो हमने देखा था। सिंपल हम यहाँ पर एक ट्राई कैच ब्लॉक बना लेंगे सीधे हमारे कनेक्शन बनाने के लिए, उसे माई एस क्यू एल को कनेक्ट करने के लिए। तो ये हमारा ट्राई कैच ब्लॉक है। अब यहाँ पर हम कनेक्शन बनाएंगे, हम फोर नेम क्लास को यूज करेंगे। एंड यहाँ पर हम स्ट्रिंग में पास करेंगे हमारे JDBC का एड्रेस। एंड यहाँ पे ये एड्रेस क्या कहते हैं, हर एक हमारा जो JDBC ड्राइवर है कॉमन है, यूनिवर्सल एड्रेस है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये तो हमें लर्न करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट कि इसे कैसे हम बना सकते हैं। तो हमने क्लास बना लिया। तो अब हमने क्लास बना ली, यहाँ पर अब हमें चाहिए होगा एक कनेक्शन। तो हम कनेक्शन बना लेंगे कनेक्शन क्लास को यूज करके, कौन इज इक्वल्स टू एंड यहाँ पे कनेक्शन लेंगे। सो यहाँ पर अब URL डालनी है हमने, हमारे जो हमारे MySQL कनेक्ट
कनेक्टर से हमें मिलेगी जो हमारे इसको जोड़ेगी, हमारे जावा के प्रोग्राम को MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगी। तो यहाँ पर URL हम हमारी, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट हमारी डिफ़ॉल्ट यूनिवर्सल URL है, बस यहाँ पर चेंज क्या करना है, जो हमारे लास्ट में जो डेटाबेस का नेम होगा, जैसे यहाँ पर जो हमारा MySQL है, तो यहाँ पर हमने देखें शो डेटाबेसेस करेंगे, तो हमने यहाँ पर एक डेटाबेस बनाया हुआ है SMS नेम का, तो वो डेटाबेस का नेम हम यहाँ पर डालेंगे SMS, एंड यहाँ पर है यूज़र, तो हमारे जो MySQL का जो भी पासवर्ड होगा वो डाल देंगे, तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेम, जो भी हमारा यूज़र उसका पासवर्ड होगा MySQL डेटाबेस का, तो यहाँ पर डाल देंगे। ये हमने बना लिया कनेक्शन। नाउ अब बनाएंगे हम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्लास से, एंड इसको कनेक्शन के साथ हम जो है कनेक्ट कर देंगे। नो हमने कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया। नाउ अब हमें हमारी एग्जीक्यूट करनी क्वेरी को, तो हम एग्जीक्यूट करने के लिए करेंगे जो हमारी स्टेटमेंट है, एंड यहाँ पर एग्जीक्यूट क्वेरी, एंड यहाँ पर हमारी SQL की क्वेरी को पास कर देंगे। तो जैसे कि थोड़ा बहुत जिसको MySQL आता है, यहाँ पे जो लॉगिन है, ये हमने टेबल का नेम है हमारी जो कि हमने इसमें बनाई हुई है। जैसे अगर हम यहाँ पर करें शो टेबल्स, तो यहाँ पे हमारी टेबल बनी हुई लॉगिन, तो ये वही लॉगिन स्टेटमेंट है हमारी। नाउ अब हमें पूरी की पूरी जो टेबल है हमारी, उसमें से फाइंड आउट करना है कि ये जो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मैच करते हैं नहीं करते, तो हम यहाँ पर लगा लेंगे वाइल लूप। तो यहाँ पे वाइल लूप से पहले हमने यहाँ पे एक मेन चीज मिस कर दी, हम करेंगे रिजल्ट सेट क्रिएट करेंगे, रिजल्ट सेट आर इज इक्वल्स टू करेंगे, क्योंकि जो भी एग्जीक्यूट ये पूरी जो कंप्लीट वाला हमारी इसमें से उठकर आएगी वो जाएगी हमारे रिजल्ट सेट में स्टोर होने। रिजल्ट सेट बेसिकली रोज एंड कॉलम्स का एक फॉर्मेट होता है। तो अब इसमें हम वाइल लूप यूज कर देंगे कंप्लीट हमारी टेबल जो भी हमारी रिजल्ट सेट में आई है उसे स्कैन करने के लिए और इटरेट करने के लिए। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सिंपल एक और वेरिएबल बना लेते हैं, दो स्ट्रिंग वेरिएबल ID1 एंड यहाँ पर पास रखते हैं इसका नाम सो। अब यहाँ पर ID1 जो है उसमें हम डाल देंगे RS. यहाँ पर फंक्शंस दिए हुए हैं देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे, गेट स्ट्रिंग एंड यहाँ पर कॉलम का एड्रेस दे देंगे, हमें चाहिए 1 की जो स्ट्रिंग उठेगी वो जाएगी हमारे ID1 के पास, एंड ऐसे ही पास में हम डाल देंगे गेट स्ट्रिंग कॉलम 2 की। ये कॉलम 1 एंड 2 है हमारे MySQL में, जैसे हम यहाँ पे करते हैं। नाउ जो ये हमारी आईडी एंड पासवर्ड बना हुआ है, सो आईडी का पहला कॉलम ये हमारा, दूसरा कॉलम ये है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया 1 और 2, उनका इंडेक्स पास किया है। सो नाउ अब यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे इसके बाहर, इफ अगर हमारी जो आईडी डाली हुई है, ये जो हमने पहले आईडी इनपुट कराई थी इस लाइन से, उसे मैच करेंगे हमारी रिट्राइव की हुई डेटाबेस से निकाली हुई आईडी। सो यहाँ पर लिखेंगे ID.equals एंड यहाँ पर कर देंगे हम ID1, अगर ID.equal ID1 है एंड एंड, और जो हमारी हमारा जो पास है, जो पासवर्ड है हमारा वो इक्वल है, किसके बराबर है हमारी पास के, जो हमारे उस डेटाबेस से हमने निकाला है, देन ये लॉगिन कहलाएगा, जाएगा सक्सेसफुल। देन यहाँ पर क्या होगा, तो हमने यहाँ पे देखा था लॉग इन सक्सेसफुल, तो चेंज हो जाएगा, लॉग इन सक्सेस हो जाएगा हमारा ट्रू, एल्स हमारा जो लॉग इन सक्सेस है वो हमारा फॉल्स रहेगा, और ये फॉल्स ना भी करे तो भी यहाँ पे हमने पहले से फॉल्स किया हुआ है उसे फेल ही मानेगा। सो यहाँ पे हमने इसे इनिशियलाइज नहीं किया, तो बेसिकली हमें हर एक जो भी वेरिएबल्स उन्हें इनिशियलाइज करना पड़ता है, उनकी कोई ना कोई वैल्यू देनी होती है, तो यहाँ पे हम इसे इनपुट करते हैं। नाउ हमारा यहाँ पे लॉगिन का फेस कंप्लीट हो गया। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन पर आएंगे, अब इसको यहाँ पर हम एक बुलियन वेरिएबल बना लेंगे रिजल्ट नेम का। सो
अब जो भी ये रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने इसका जो फंक्शन है हमारा बुलियन टाइप का, सो बुलियन रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, ये लॉगिन सक्सेस। अब लॉगिन सक्सेस ट्रू है या फॉल्स, सो ये रिटर्न कर देगा बेसिकली यहाँ पर। सो रिजल्ट या ट्रू होगा या फॉल्स आएगा। अब यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे, इफ अगर रिजल्ट हमारा ट्रू है देन ये ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे अभी बेसिकली हम एक खाली मैसेज डिस्प्ले करते हैं लॉगिन सक्सेस का। अगर हमारे डेटाबेस से कनेक्शन कंप्लीट हुआ एंड हमारे रिकॉर्ड्स मिल गए तो यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा, एल्स हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम मैसेज दिखा सकते हैं, क्रेडिट डिटेल्स और नो रिकॉर्ड फाउंड, सिंपल स्टेप। सो हमारा लॉगिन फेज कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से हम कर लेंगे इसे कंपाइल एंड रन। नाउ यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू एसएमएस। बाकी तो अब नाउ हमने आज डेवलप किया है लॉगिन फेज, सो लॉगिन फेज को हम करेंगे एक्टिवेट। सो यहाँ पे बोल रहा है आईडी। नाउ हमारी आईडी क्या है, हमारी आईडी है योगेश एंड पासवर्ड भी है योगेश। सो फटाफट से हम डालते हैं योगेश योर एंड पासवर्ड भी है हमारा योगेश। सो यहाँ पे डाल दिया। नाउ हमने मैसेज डिस्प्ले किया था अगर सक्सेसफुल हुआ और लॉगिन हमारा मिल गया, सो लॉगिन सक्सेसफुल। नाउ एक बार और दोबारा से हम ट्राई करते हैं। अब हम कुछ भी डाल लेंगे, हमारी आईडी नहीं मैच करती। नाउ अब क्या बोल रहे हैं, रॉन्ग क्रेडिट डिटेल्स नो रिकॉर्ड फाउंड। यहाँ पे हमने जो मैसेज सेट किया था वही यहाँ पे आ रहे हैं। सो हमने हमारे लॉगिन फेज कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में हमने देखा कैसे लॉगिन हम कर सकते हैं, हमारे डेटाबेस को मैच करेंगे जो जो हमने आईडी पासवर्ड हमने डाले हों उनसे, एंड हमारे सिस्टम को लॉगिन कराएंगे। अगर सक्सेसफुल होता है तो यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ज़्यादा वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।